good morning students hope you understand the benefits of entrepreneurship how entrepreneurship give economic and social benefit and what is the role of entrepreneurship in developing economy now in this lecture we are going to cover entrepreneur function and the barriers of entrepreneurship

थिंग एंड देन यू हैव टू बियर द रिस्क क्योंकि आप अनफोर्सिन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं क्योंकि आपने इनोवेशन ले कर आ रहे हैं आपको नहीं मालूम है ट्राई एंटेस्टेड नहीं है ये भी कि वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड और नॉट सो यू आर बियरिंग द रिस्क यू आर मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप उसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं मोटिवेट भी आप कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग कंट्रोलिंग फाइन तो यू डोंट नो कि वो जो है प्रोजेक्ट है वो आपका वाइबल है या नहीं आगे चल के जो है किस तरह की सरकमस्टेंसेज आएंगे ठीक तो आपने उसको मैनेज भी किया और अनसर्टिनिटी बेयरिंग भी आप कर रहे हैं सपोज ऐसे माना अभी आप कोविड देख रहे हैं ठीक है अब कोविड में आप देख रहे हैं अनसर्टिनिटी आ रही है कि कब मार्केट खुलेगा कब आप जो है अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे तो आप ये सारी चीजें भी तो मैनेज कर रहे हैं तो ये बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको ये सब भी देखना है कि अगर अनसर्टेनिटी कोई क्रिएट होती है जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते रिस्क में क्या होता है कि यू गिव यू आर एबल टू गिव अ प्रोबेबिलिटी कि इतना चांसेस है कि मेरा प्रोडक्ट में ये चीज जो है कस्टमर को पसंद आएगा या नहीं आएगा यू हैव अ चांस यू हैव अ प्रोबेबिलिटी टू असाइन इट बट अनसर्टिनिटी में तो आपको कुछ पहले से पता ही नहीं है कि क्या हो जाए ठीक है तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट तो इंटरप्रेन्योर उस चीज के लिए भी तैयार होता है उसका फंक्शन है उसकी अनसर्टिनिटी को बेयर करे देन इनोवेशन ही इज अ पर्सन हु ब्रिंग इनोवेशन टू द सोसाइटी हु ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द सोसाइटी एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट फिर आपका काम है कि आप उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें कॉमर्शलाइज करें For the benefit of the society and for the economic development. Clear? What exactly the entrepreneur function is? You need to plan, you need to organize, you need to bear the risk, you need to manage everything, you need to bear as uncertainty also, and you have to bring some innovation in the organization, in the, in the economy, and then implement that particular project. All these functions are performed by the entrepreneur. देन फंक्शन इंफ्लुएंस द इंटरप्रेन्योरशिप सी कि आपके फैसिलिटिंग फैक्टर्स क्या क्या हैं एंड वट टाइप ऑफ रिस्क दे आर बेयरिंग लाइक फैसिलिटिंग फैक्टर्स हैं आपके टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपकी आपके पास टेक्निकल नॉलेज किस तरीके की है इंटरप्रेनल ट्रेनिंग आपको कैसी मिली है मार्केट कॉन्टैक्ट्स आपके कैसे हैं ठीक है दीज आर द फैक्टर्स जो इंटरप्रेन्योरशिप में होने चाहिए ठीक ये फैसिलिटीज़ हैं जो हमें चाहिए बींग इंटरप्रेन्योर ये हमें हेल्प कर रहे हैं फैसिलिटी कर रहे हैं आप इंटरप्रेन्योर एक्टिविटी को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका फैमिली बिजनेस कैसा है अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल कैसी है सक्सेसफुल रोल मॉडल्स आपके जो मोटिवेट करते हैं ठीक है लोकल मैन पावर आपको कैसे मिल रही है आप एडवाइजर्स और सपोर्टर्स किस तरीके के हैं आपको सप्लायर का असिस्टेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है या गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन सपोर्ट ऑल दीज गिव यू अ पॉजिटिव आस्पेक्ट फॉर योर इंटरप्रेनल एक्टिविटी बट सेम टाइम वी हैव सम बैरियर्स ऑल्सो फॉर इन लैक ऑफ टेक्निकल स्किल ये हमारे लिए बैरियर है अगर टेक्निकल नॉलेज आपके पास है तो इट बिकम योर स्ट्रेंथ

all these are creating a problem or which demotivate to become a entrepreneur activity आप entrepreneur activity नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये सारे barriers face करने पड़ रहे हैं ठीक है means आपकी right side create कर रही है barriers या इनकी कमी की वजह से हो सकता है कि you you will be demotivated to execute any entrepreneurial activity entrepreneurship में effect करेगा negatively बट फैसिलिटिंग फैक्टर्स लेफ्ट साइड में आपके जो है वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि गो फॉर इट फाइन इन बैरियर्स को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं लैक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट लैक ऑफ मार्केट नॉलेज मीन्स आपके दिमाग में चीज है बट आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं आप कभी सोचते हैं ना कि आप लोग ने किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना कोई प्रॉब्लम देखी उसे कोई न्यू इनोवेटिव आइडिया बनाया बट बन आप उस चीज़ को समेट नहीं पा रहे हैं आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं उसको किस तरीके से कॉमर्शलाइज़ करूँ कैसे एक आइडिया जो है आया है उसे कॉन्सेप्ट में डेवलप करूँ ठीक है तो ये स्किल भी हमारे पास होनी ज़रूरी होती है मार्केट नॉलेज होना आपके पास नहीं है टेक्निकल स्किल नहीं है लैक ऑफ योर सीट कैपिटल आपके पास आइडिया है यू आर वेरी गुड बट यू डोंट हैव रिसोर्सेज यू डोंट हैव अ सीट कैपिटल फॉर दैट ठीक है बिजनेस नॉलेज आपको नहीं है आपके पास जो है मोटिवेशन नहीं हो रहा है कि मैं उसके लिए काम करूँ नहीं करूँ कैसे करूँ क्योंकि यू नीड अ सपोर्ट आप जब कोई अनट्राई चीज़ जिसमें रिस्क है अनसचिन है आपको वहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ठीक है सोशल स्टिग्मा आपके पास है आप जो है टाइम प्रेशर आपके पास हो रहा है ठीक है लीगल प्रॉब्लम्स हैं मोनोपोली का प्रॉब्लम है कि आप मार्केट में एंट्र नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि जब आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने की कोशिश करते हैं तो कंपटीशन इज वेरी वेरी हाई तो बिग जॉइंट जो होते हैं दे जनरली डी मोटिवेट पीपल ठीक है क्रिएट प्रॉब्लम इन दिस लाइक सेम बैरियर टू इंटरप्रेनरशिप जो है आपका अनदर वे से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है जैसे द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेनशिप कैन बी अफेक्टेड बाय Uh, regulatory measures you can say other environmental factors are also there which affect our entrepreneurship process like uh, regulatory barrier regulatory barrier mein taking a uh, government regulate um, the entry to market fine so it define, uh, defining registration requirement reporting disclosure norms insurance of the uh, ensuring in the tax compliance etc तो रेगुलेटरी बैरियर्स जो हैं गवर्नमेंट तो, के हाथ में क्या है हाउ यू आर एंट्रिंग इन टू मार्केट आपका रिपोर्टिंग डिस्कलोजर नॉर्म्स टैक्स कंप्लाइंसिस किस तरीके की होने चाहिए ठीक है और डिफरेंट लीगल फॉर्म्स होती है हमारी यू आर अ सोल प्रोपराइटर यू हैव अ पार्टनरशिप फॉर्म यू हैव अ प्राइवेट पब्लिक फार्म फाइन तो एवरी फॉर्म ऑफ द बिजनेस हैव देयर ओन मैरिट्स एंड डी मेरिट्स तो उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उनके आपके Reporting requirements are totally different. And for government support, entrepreneur, uh, you can say are also expected to produce or, uh, a business plan which is certified by the technical consultant organization and uh, which tests their viability. Fine. If you want a government support, you have to certify your plans and all. So uh, your due diligence process, hoti, it should be very, very effective if you want a government support. So th sometimes this create a problem. Then merger and acquisition activity in the in the country. Uh, flexible mer merger acquisition policy generally discourages the entrepreneur and force them to avoid entrepreneur behavior. And uh, they have a fear that whenever they are uh, able to bring a success to the enterprise, other entrepreneur will try to initiate the process of merger and acquisition. आप देखते होंगे जो भी आ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो रही है नया इनोवेशन जब सक्सेसफुल होता है तो बड़ी बड़े बिग ज्स जो होते हैं दे ट्राई टू मर्ज दम इन ओन ब्रांड फाइन तो इफ द मर्जर एक्विजिशन पॉलिसी इज नॉट सो इफेक्टिव नॉट अगर बहुत ज्यादा फ्लैक्सिबल टाइप की आपकी बनेगी तो उससे क्या होगा जो जो इनोवेटर है ठीक है तो जो इनोवेटर होता है दे फील डीमोटिवेटेड क्योंकि जनरली क्या होता है इफेक्टिव मर्जर एजुकेशन पॉलिसी अलाउस इंटरप्रेन टू डिफाइन देयर रोल इंश्योर स्मूथ सेलिंग ऑफ फॉर इंटरप्रेन्योरशिप बट अगर डिफेक्टिव है तो इट विल कटल देयर बेनिफिट्स मीन्स मैंने एक इनोवेशन लेके के आई और मुझे सक्सेस पाने के लिए जो है क्यों बी आई एम ए स्मॉल फॉर्म राइट नाउ तो मुझे मर्जर करना है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि मैं अब और डेवलप हो सकूँ आई नीड अ फाइनेंस रिसोर्सेज एंड ऑल बट अगर डिफेक्टिव मर्जर एक्विजिशन पॉलिसी तो उसमें मर्जर करने से क्या होगा मेरी आइडेंटिटी लूज हो गई मेरा कंट्रोल मेरे इनोवेशन था ठीक है तो जो मैंने इंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट करा है बिजनेस वो लॉन्ग पीरियड के लिए कर रहा है बट बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव पॉलिसी आपकी वो चीज़ खत्म हो जा रही है आपके अपने ही प्रोडक्ट आपके अपने ही इनोवेशन में सारे राइट्स ख़त्म हो गए बट अगर आपकी मर्जर एक्विजिशन पॉलिसी इफेक्टिव है क्योंकि आपको आगे सर्वाइव करने के लिए अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए आप जो है स्मॉल फॉर्म को जो है मर्ज करना पड़ेगा इंटरप्राइज से अगर इफेक्टिव है पॉलिसी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको रिकॉग्निशन मिलेगा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनेगी सिंपल प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और जो कंट्रीब्यूशन आपका है आपको उस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपना शेयर मिल रहा है ठीक है तो वो आपको फंड प्रोवाइड कर रहा है बट आपकी आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है आपको पूरा सपोर्ट वो दे रहे हैं मीन्स पॉजिटिव फॉर्म में आपका मर्जर कर रहे हैं ठीक है स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स जो है जनरली अनएबल टू कम्पीट विद द मीडियम और बिग इंटरप्राइज ठीक है दैट इज द मेन रीजन फॉर ग्रोइंग सिकनेस इन द स्मॉल इंटरप्राइज एंड टू प्रिवेंट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम मजर एक्विजिशन इज रिक्वायर्ड बट ऐसा मर्ज एक्विजीशन जिससे आपके जो इंटरप्रेन्योर है जिसने इनोवेशन लेके आया है जो स्मॉल इंटरप्राइज है वो अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे अगर इस तरीके से मर्जर एक्विजिशन होता है उसको वो ऑटोनॉमी वहाँ मिलती है तो वो उसके लिए बेटर होता है देन कॉम्पिटिशन पॉलिसीज़ ऑल्सो देयर प्राइवेट बैरियर्स टू एंट्री ठीक है आप देखते हैं कॉम्पिटिशन हमारे इतने हैं तो जेंटलमैन एग्रीमेंट इज़ देअर अमर इंटरप्रेन्योर टू मोनोपोलाइज द मार्केट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर ऑल्सो समथिंग मीन्स अगर आपने देखा मोनोपोली है मार्केट में आप नया एक कुछ नया आइडिया इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहे तो आप देखेंगे कि आपके जो कॉम्पिटिटिव है बड़े वृद्धि वो आप आपस में हाथ में ला लेंगे ताकि आप वहाँ पर जो है आ, अपने सर्वाइव ना कर पाए मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कलेक्टिव बाइकॉट कर रहे हैं वो आपका to deny new टू डिनाई न्यू कॉम्पिटिटर्स अप्लाई रॉ by reducing the रिड्यूसिंग देंट आप कह सकते हैं कि distribution channels जो हैं आपके आप उसको एसेस नहीं कर पा रहे they restrict that तो आपने कलेक्टिवली क्या किया जो एग्जिस्टिंग हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं एक नई फॉर्म को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ठीक है वो एक जेंटल एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ताकि जो आपका पोटेंशियल इंटरप्रेन्योर है वो वहाँ पर ना आ सके तो डेट ऑल्सो डिसकेज द इंटरप्रेन एक्टिविटी ठीक है तो दे नीड टू प्रोटेक्ट अ न्यू वन फ्रॉम दी ओल्ड वन जैसा आपने देखा होगा सबसे छोटा एग्जाम्पल अगर आप देखें आप कभी वेजिटेबल मार्केट में जाइए वहां पर जो है पांच जने अगर सब्जी बेचते हैं फाइन जो सब्जी वो बेच रहे हैं वहां पर उन लोगों की जो है अपनी मोनोपोली है कल को आप वहाँ कोई नया इनोवेटिव आइडिया लेके चले गए और वहां आपने भी वेजिटेबल्स एलाउट करना शुरू करा ठीक आपने कुछ यूनिक तरीके से कुछ देना शुरू किया तो वो जो पांच बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे मोनोपोली कर ले रहे कि भाई हम इसको यहाँ पर नहीं बहने देंगे हम इसे यहाँ नहीं सर्वाइव करने देंगे वरना हमारी मार्केट को इफेक्ट होगा तो आप क्या कर रहे हैं यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर ऑफ रॉ मटेरियल आप उसे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं होने दे रहे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं मिलने दे रहे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे तो वो क्या होगा फर्स्टेड होकर आप जो है छोड़ देंगे तो इस तरह की जो कॉम्पिटिशन पॉलिसीज होती है वो भी हमें इफेक्ट करती है तो बैरियर क्रिएट करती है देन अवर डिफेक्टिव टेक् स्ट्रक्चर सिस्टम इज़ देअ डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका हाई लेवल मतलब हाई लेवल ऑफ टैक्स डोज टैन टू डिस्ट्रॉय द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन टू द इंटरप्रेन्योर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा टैक्स आपसे लिया जा रहा है बीइंग तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है जिसकी वजह से इंटरप्रेन्यर डिस्करेज होता है तो इट डिसेज फ्राम फर्दर क्रिएशन और एक्सपेंशन देन डिले पेमेंट generally, delay payment is also a big reason who uh, create a barrier. Uh, delaying payment from the big enterprise to the small enterprise are the normal feature in the small business generally. and uh, cash flow problem it uh, will be created because of this. working capital, cash flow, so how will you pay on time? and frequently, frequent this uh, cash flow problem create a फ्रिक्वेंटली वीक बारगेनिंग पोजिशन इन रिस्पेक्ट टू दे परचेज आपके पास बारगेनिंग पोजिशन ही खत्म हो जा रही है आपकी बारगेनिंग आप नहीं कर पा रहे इफ़ यू डोंट हैव अ कैश तो इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज योर बारगेनिंग पावर इज गोइंग टू रिड्यूस देन एबसेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज देअर इनोवेशन इज अ बेसिक रूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप यू नो फाइन तो इंटरक्चुअल प्रॉपर्टी राइट protection so that is also create a barrier despite the potential benefit offered by r&d of a new product and services firms are very reluctant to invest in r&d because, because the result of such a expanding technology discoveries new product technique can fall easily into the hand of rivals

कॉम्पिटिटर जो बहुत बिग जैंट है उनके हाथ में चली जा रही है ठीक है तो इस दैट ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम कि हम अपना ही प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला पा रहे अपने नाम से पेटेंट इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं फिर ठीक है आपको पता आपको पता भी नहीं चला आप देखना आपने देखा होगा जो मूवी है यू टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द मूवी ठीक है मूवी आई थिंक इट इज मूवी कॉपरेट वेयर सॉफ्ट ड्रिंक्स पेटेंट राइट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम ठीक है विपाशा बासु ने जो है उस सॉफ्टवेयर जो ड्रिंक का लॉन्चिंग थी पेटेंट था ये सब क्या लेकर जो है हो गया एंड उसकी वजह से उसकी कंपनी को सफ़र करना पड़ा लॉस तो दिस इज द कॉमन फीचर इन द कॉपरेट वर्ल्ड देन डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लाइंस सिस्टम इज देयर गवर्नमेंट जनरली फेवर स्मॉल इंटरप्राइनर इंटरप्राइजेज इन मैनी वेज लाइक Tax benefit, promote uh, employees training, R and D, special provisions, and all. These government provide various benefits. You see, making India concept. But in actually, in the ground reality, Indian bureaucratic system, as we know, delay the execution of compliance and its cost. So it creates a barrier to the entrepreneur. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इन हल्वानी देर इज अ वन पार्क वॉटर पार्क मेक इन इंडियन कॉन्सेप्ट में दे पुट देर फाइल बट बिकॉज ऑफ द बोरोक्रेटिक सिस्टम एंड ऑल देर फाइल वॉज पास एवरी थिंग इज ओके बट स्टिल इट टेक टू टू थ्री इयर्स टू गेट अ फंड To, be, to start uh, by start after starting the entrepreneur activity, to two to three years survive करना with your own fund जहाँ पर fund का इतना crisis है that create a problem तो जब अगर आप मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो यू हैव टू गिवोर्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज तभी तो आप उसको कर पाएंगे अब जिसके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है अपने अपने रिसोर्सेस से नहीं कर पा रहे तो ये क्या आपको लगता है कि वाटर वो, पार्क सर्वाइव कर पाता इतना लंबा नहीं कर पाता फिर तो यहाँ पर जो ब्यूरोटिक सिस्टम है हमारा जो विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट द थिंग्स इट क्रिएट अ प्रॉब्लम सम टाइम इट क्रिएट अ बैरियर फॉर द इंटरप्रेन्योरशिप सो आई होप यू अंडरस्टैंड वट एग्जैक्टली द ग्राउंड रियलिटी वट एग्जैक्टली द बेरियर दैट वी आर फेसिंग फॉर इंटरप्रेन्योअर प्रोसेस ड्यूरिंग द इंटरप्रेन प्रोसेस नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर द थ्योरीज ऑफ इंटरप्रेन्योअरशिप Thank you, student, for the day. In case you have any doubt, feel f free to call me.